हेलो क्लास सिक्स बेटा, चैप्टर नंबर 10 प्लेन फिगर्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग अवर पार्ट थर्ड। की इस वीडियो में प्लेन फिगर्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 10C आज हम करने वाले हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बताइएगा, आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। यहाँ पर द शेप्स बिलो आर ड्रॉन ऑन स्क्वायर्ड पेपर। स्क्वायर्ड पेपर पे कुछ आपके लिए फिगर्स ड्रॉ की गई हैं। नेम ईच शेप, आपको शेप का नेम बताना है। देखिए यहाँ पर ए जो फिगर दे रखी है, ये क्या चीज़ है? देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, तो ये क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड बी पार्ट में हमको क्या दे रखा है? यहाँ पर अपोजिट साइड हैं और क्या चीज़ है? इक्वल भी हैं और अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्लियर? तो ये फिगर हमारी पैरेललोग्राम होती है। थर्ड पर देखते हैं, यहाँ पर ऑल साइड्स आपको इक्वल नज़र आ रही हैं, हर एक एंगल 90 है, तो क्या हो जाएगा? ये सी फिगर हमारी क्या हो जाएगी? स्क्वायर की हो जाएगी। क्लियर? क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। डी आप देखिएगा, यहाँ पर डी क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो साइड पैरेलल्स हैं, दो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिगर बनती है हमारे पास, ये फिगर बन जाती है हमारे पास ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम हमारे पास बन जाता है, इस तरह की फिगर बनती है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। बेटा इन फिगर्स को आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिएगा, बनाइएगा, ड्रॉ करने के बाद तब इनके नेम राइट कीजिएगा। इसी तरह से हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट भी बिल्कुल बी की तरह है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसको आप राइट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास है यहाँ पर एफ पार्ट में आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर ये भी आपको एक स्क्वायर दे रखा है, हर एक एंगल 90 का आपको दिख रहा होगा, सारी साइड इक्वल है, तो स्क्वायर हो जाएगा ये भी। इसी तरह से यहाँ देखेंगे अगर आप जी पार्ट को, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और यहाँ पर 90 का एंगल है, तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर? ये हमारा पास आंसर हो गया। एच पार्ट में आप देखिएगा, एच पार्ट में एंगल 90 नहीं है लेकिन सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये रोम्बस हो जाएगा। वीडियो को बेटा पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद जो भी मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, अपनी नोट्स आप जहाँ बना रहे हो वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से ये देखेंगे आप आई पार्ट, ये भी ट्रेपेजियम है, इसमें 1-2 अपोजिट साइड पैरेलल है, बाकी पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम। और जो जे वाला पार्ट है आपका, ये आपका क्या बन जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी नेम बता दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिप्स का। यहाँ पर मैंने आपको इसको जो है राइट करके दे दिया है, फिर भी मैं एक बार समझाता हूँ। ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, जिस क्वाड्रिलेटरल का सारी साइड इक्वल लगती हैं और सारे एंगल इक्वल लगते हैं, वो स्क्वायर होता है। बी है हमारा ए क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड, 4 इक्वल साइड होती हैं, कोई भी राइट एंगल नहीं होता, वो रोम्बस होता है। सी ए क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 साइड्स पैरेलल, जिसमें 2 साइड्स केवल होती हैं पैरेलल, वो ट्रेपेजियम होता है। अभी मैंने फिगर्स आपको दिखा दिए ऊपर। द डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगनल इक्वल होते हैं बट नॉट परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। और हमारा जो ई पार्ट है वो है ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होते हैं, बट ट्रेपेजियम इज नॉट, लेकिन ट्रेपेजियम नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है, यहाँ पर डिटरमाइन इफ द गिवन स्टेटमेंट आर समटाइम्स ऑलवेज और नेवर ट्रू। बताना है कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला है ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम की 4 साइड होते हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल होता है ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको नोट करके दिखा दिया ऑलवेज।
इसके बाद देखते हैं बी वाला, ए पैलोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। पैलोग्राम कभी ट्रेपेजियम नहीं होता, क्योंकि ट्रेपेजियम में केवल एक साइड, एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है, यानी दो साइड पैरेलल होती हैं, और पैलोग्राम में जो है टू पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं। सी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट क्या हो गया, नेवर हो जाएगा। सी पार्ट क्या है, ए रोम्बस इज स्क्वायर, रोम्बस समटाइम्स, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, कोई भी एंगल 90 नहीं होता, अगर उसका एंगल 90 हो जाएगा तो वो स्क्वायर कहलाएगा, तो समटाइम्स हो गया। डी है, ए ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल होता है ऑलवेज, चार साइड होती हैं, तो चार साइड किस में होती हैं, फोर साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो ट्रेपेजियम भी ऑलवेज क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ई पार्ट देखते हैं, इट रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है कब, जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हों, तो समटाइम्स हो जाएगा। एफ स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर हमेशा रोम्बस होता है, क्योंकि उसके जो हैं सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑलवेज हो गया। और इसी तरह से जी पार्ट है हमारा, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। और एच ऑलवेज हो गया ये, और एच है हमारा, फोर साइडेड प्लेन फिगर्स आर पैरेललोग्राम, तो समटाइम्स, कभी कभी मीन्स समटाइम्स, तो फोर साइडेड प्लेन जो है पैरेललोग्राम होगा समटाइम्स, वो कुछ और भी हो सकता है, फोर साइडेड में आपका ट्रेपेजियम भी हो सकता है ना, और रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, तो समटाइम्स कभी कभी वो पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलोग्राम भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, स्टेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको, ठीक है। चलिए ए देखते हैं, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ट्रू। अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ये भी ट्रू है। द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये भी ट्रू है। ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल लेंथ, ये भी ट्रू है। ऑल द साइड्स ऑफ पैलोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, ये गलत है, यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैलोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और एफ है हमारा, द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, नहीं, क्योंकि उसमें केवल एक पेयर होता है, एक केवल दो साइड होती हैं जो पैरेलल होती हैं, है ना, अपोजिट साइड जरूरी है, नहीं है कि दोनों की दोनों पैरेलल हों, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन ये आपको एक साथ मैं रीडिंग कर देता हूँ, उसके बाद एक साथ सबके आंसर दे दूंगा। स्क्वायर कैन बी थॉट एज स्पेशल रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए स्पेशल पैरेलोग्राम, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, और डी स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेलोग्राम और ऑल क्वाड्रिलेटरल्स और स्क्वायर इज आल्सो पैरेलोग्राम। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इनके रीज़न दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर। यहाँ पर स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं रेक्टेंगल की। बी हमारा, ए रेक्टेंगल हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम इसलिए कह सकते हैं रेक्टेंगल को, क्योंकि रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलोग्राम की। स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं रोम्बस की। इसी तरह ऑल द फोर साइडेड क्लोज प्लेन फिगर्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, जितने भी फोर साइडेड क्लोज फिगर होती हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, ठीक है। और ई हमारा, स्क्वायर हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलोग्राम, तो स्क्वायर को भी पैरेलोग्राम आप कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलोग्राम की। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 10C कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखा होगा, समझ लिया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको PDF से भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इस कंप्लीट एक्सरसाइज को नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।